स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। OMG, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मैं जितना पढ़ रहा था उतना कम। आप एक लाइफस्टाइल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टेडएक्स स्पीकर, आपके तकरीबन 400 से अधिक आर्टिकल हेल्थ के ऊपर लीडिंग मैगजीन्स में पब्लिश हो चुके हैं। आप एक मैराथन रनर हैं, आपको नेचर से बहुत प्रेम है, कुकिंग पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं। आपने सबसे पहला कार्डिक कैथ लैब सन 2000 में नेपाल में एस्टेब्लिश करा और बहुत कुछ जानने को मिला। आपके बारे में कुछ चंद लाइन। किसी की धड़कन बनने में क्या मजा, किसी की धड़कन बनने में क्या मजा, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। आज हमारे बीच इन शॉर्ट एक जिंदा दिल बंदा मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं रिनाउंड फेमस एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कार्डियोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर भरत रावत सर का। थैंक यू कपिल। आपका सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। थैंक यू सो मच। मैं अक्सर आपके वीडियोस को देख रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, और मैंने एक चीज पाई कि आप हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा जुझारू रहते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो अभी हाल फिलहाल में किस इनिशिएटिव पे आप काम कर रहे हैं, या मतलब मैं बस क्विकली आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप हर समय कुछ नया करना चाह रहे हैं। ये बात सही है कपिल, और मुझे लगता है कि जीवन का नाम ही यह है कि हम लगातार सीखते रहें। जीवन के अनुभव हमें निरंतर और बेहतर बनाने का प्रयास देने का एक मौका है, और मुझे लगता है कि अगर आप जीवन की खूबसूरतियों को देखते रहें और अगर आप इस चीज़ को समझें कि बहुत सारे जीवन के ऐसे आयाम हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी तक हमने पूरा ठीक से समझा नहीं है, और क्योंकि हमारी पुरानी जो सीखें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग को क्लाउड कर देती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। मुझे लगता है कि मृत्यु से पहले हमें कुछ समय पहले हमें ठीक से जीना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न भी यही है कि सर आपके इतने अनुभव से, आपको मतलब तकरीबन 25 साल से आप इस फील्ड में हैं, आपको क्या लगता है आपके अनुभव से कि ये जीवन हमें क्यों मिला है? क्या यह सिर्फ खाने पीने, पैसा कमाने, सोने, इस सब कार्यों के लिए मिला है, या यह एक स्वर्णिम अवसर की ओर हमें ले जा रहा है? देखिए, मेरे पिताजी से मैं काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, और वो हमेशा जीवन को लीला के रूप में कहते हैं। वो जीवन को एक शब्द लीला, और इसका अंग्रेजी में कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप कह सकते हैं एक डिवाइन गेम या, लेकिन लीला जो शब्द है तो उसको लीला समझ के, तो जो बाहर की जो दुनिया है वो तो बिल्कुल लीला है। तो लीला में आप प्रयास करें, आप खेलें, खूब खेलें, ना जीतने के लिए ना हारने के लिए, सिर्फ खेलने के लिए। और बाहर की दुनिया को जीता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और हारा तो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि आखिर मकसद क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा पेचीदा सा प्रश्न है। फिलहाल मैं ये सोचता हूँ, मैंने जो टेड टॉक दिया उसका बैलेंस शीट ऑफ लाइफ उसका टाइटल है, और मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम भगवान माने या नेचर माने या इस बगीचे के एक गार्डनर को माने जो ऊपर से देख रहा है, और हम इस गार्डन के अंदर थोड़े समय के लिए प्रवेश करें और कुछ समय बाद हम ये गार्डन छोड़ देंगे, तो इस हमारी जो मौजूदगी से गार्डन की खूबसूरती बढ़ी या हमने और उसको ख़राब कर दिया? मुझे लगता है ये गार्डनर तो यही देख रहा है कि यार इस बंदे के इस बगीचे में आने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ इस गार्डन को, न कि आपके एक छोटे से घर को, न कि आपके एक छोटे से धार्मिक विश्वास को, न कि इवन देश को। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम परिवार, धर्म और देश को छोड़कर और समाज और विश्व की बात करते हैं तभी उन्नति है, वही मैच्योरिटी है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि मृत्यु से पहले हमारी बैलेंस शीट ठीक रहे। बैलेंस शीट का मतलब हमने लिया किया और दिया किया। ओके। तो लिया हमने ऑक्सीजन, हमने खाना, हमने लोगों को पीड़ाएं दी,
ये हमने अपने ऊपर जो जो चीज़ें लगाई, अपने ऊपर जो जो चीज़ें खर्च की, ये सब हमारी लाइबिलिटीज हो गई। और असेट्स क्या हो सकते हैं? असेट्स ये कि आपने क्रिएट क्या किया, आपसे क्या बन गया, आपने कुछ पुस्तक लिखी, आपने कोई संस्था खोली, आपने कुछ लोगों को जॉब दिए, आपने इंस्पायर किया, गाइड किया, ट्रेन किया, आपने कुछ चैरिटी करी, आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए, नेचर को, आपने प्रकृति को कुछ साफ सुथरा किया, तो ये सब आपके असेट्स हो सकते हैं। तो हमको विचार करना ही चाहिए कि जीवन की मृत्यु से पहले आपके असेट्स ज़्यादा हों और लाइबिलिटीज़ कम हों। तो जितना बड़ा आप जश्न करते हैं, जितना आप अपने परिवार के साथ या कोई सेलिब्रेट करते हैं या कोई चीज़ को बड़ा आप एंजॉय करते हैं, उतना ही बेहतर इंसान बनने का और हमको प्रयास करना चाहिए, उतनी जिम्मेदारी और बढ़ जानी चाहिए कि इस इवेंट के बाद क्या मैं और बेहतर इंसान बनाऊँ, खुद के और परिवार के लिए नहीं, प्रकृति के लिए और विश्व के लिए। मतलब मुझे एक बात इस चीज़ से रिलेट हो रही है जो आपने बात कही कि विश्व परिवर्तन स्व परिवर्तन से हो सकता है। यदि मैं परिवर्तित हो जाऊंगा और मेरे जैसे और भी लोग यही विचारधारा को अपना लेंगे कि विश्व परिवर्तन स्व परिवर्तन से हो सकता है, और जिस तरह आपने कहा कि वो गार्डनर के भांति, वो गार्डनर यही देख रहा है कि यह जो मेरा बंदा है जिसको मैंने ये गार्डन में लीला करने के लिए भेजा है, आपकी जिस बात को रिलेट करो, तो वो लीला कैसी कर रहा है, क्या वो स्वयं को परिवर्तित करता है और फिर वो रोल मॉडल बन रहा है और फिर वो असेट बढ़ा रहा है, या वो जस्ट आ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, केवल लाइबिलिटीज लेता जा रहा है और इस जीवन को व्यतीत करता जा रहा है। तो विश्व परिवर्तन यदि हमें करना है तो हम सभी को उसके लिए काम करना पड़ेगा, और स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने सर। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे जिसे आप बहुत प्रभावित हुए जीवन में और आपको लगता है कि यह मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऐसी तो मुझे लगता है कि अगर आप चौकन्ने होके अलर्ट रहकर ओपन अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो शायद आपको हर पल इस तरह के मौके मिल सकते हैं कि आप सुधर सको और आप सीख सको। तो निसंदेह हर व्यक्ति के जीवन के अंदर मुझे लगता है ऐसे सैकड़ों हजारों चीज़ें आती हैं जिनसे आप सीखते हो और सीखते ही रहते हो। अगर मुझे किसी एक घटना का जिक्र करना हो तो नेपाल में एक बड़े रिम्पुचे थे जिनको उनके शिष्यों के रिक्वेस्ट पे मैं देखने के लिए उनके मोनेस्ट्री में गया, और उनके शिष्यों ने मुझे काफ़ी कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ना, उनको पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द है, आप एक बार जाके देख लें उनको। और मैं बड़ा रिलक्टेंटली उनके यहाँ पे गया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, और जब मैं गया वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो मॉन्क हैं, जो रिम्पोचे हैं, वो बैठे हुए हैं और उनको देख के कुछ ऐसा छटपटाहट भी नहीं लग रही है। बहरहाल मैंने उनसे जाके पूछा, बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो कपिल जी उन्होंने मुझे बड़े शांत स्वभाव से कहा कि नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैं भौचक्का रह गया। मैंने कहा मैं इतना काम छोड़ के आया हूँ और आपके शिष्यों ने मुझे बताया कि आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है और आपको रात में काफ़ी ऐसा रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छा पेट में। उन्होंने कहा हाँ पेट में तो दर्द है, यहाँ पर थोड़ा सा दुखता है, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है ये अपने शरीर को खुद से उसने विच्छेद करके रखा है। ही इज़ डिसोसिएटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज बॉडी। ये एक मेरे लिए बहुत ही गहरा अनुभव था कि ऐसा संभव है कि हम अपने शारीरिक, एज अ डॉक्टर मैंने कभी इस चीज़ को उस तरह से नहीं समझा कि जो शारीरिक कष्ट हैं उन्हें आप अपने से दूर रखकर भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं खुद और मुझे अपने सभी मरीजों को और घर वालों को ये चीज़ समझाना चाहिए कि ठीक है हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, पर उसको हम अपने पे इतना हावी ना होने दें कि हम खुद की पूरी शांति खो बैठे हैं और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाए। तो वो चीज़ मुझे अभी भी बड़ा मुझे बार बार याद आता है, वो जो अनुभव था मेरा। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सेरेनिटी प्रेयर के अंदर ये भी मैंने अपने पिताजी से सीखा कि हे ईश्वर तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मुझे बदल सकना है मैं बदलूँ, और इतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूँ उन्हें स्वीकार कर लूँ, और इतनी बुद्धि दो कि ये तय कर सकूँ कि किन्हें बदलना है और किन्हें स्वीकार कर। तो ये भी जो चीज़ है
क्योंकि देखिए बदलने की बातें तो सभी लोग करते हैं और हम अपने बच्चों को और खुद भी लगातार कुछ करने की और कोई चीज़ को चेंज करने की प्रयासों में हम लोग लगे रहते हैं दिन भर। इंडस्ट्री भी आपको कहती है कुछ ये करिए ये करिए ये करिए, ये वाला पाठ तो हम सब सीखते हैं। और जीवन में ये दो तरह के अलग अलग पाठ हैं, कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें जो आप लॉजिक से समझ सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक के परे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो प्रिडिक्टेबल हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं, उनको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, उस सब के ऊपर तो बहुत ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सीख पाते हैं और कोई हमें सिखाता भी नहीं है कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें आपके लॉजिकल ब्रेन में आपको समझ में नहीं आएंगी, उन्हें आप कैसे हैंडल करें, उन्हें आप कैसे स्वीकार करें, उन्हें आप कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, बिना हताश हुए, बिना टूटे, बिना डिप्रेशन में गए। तो मुझे लगता है वो भी एक तरह की ट्रेनिंग है जो हमें देना चाहिए और हम डॉक्टर्स को पर्टिकुलरली अपने मरीजों को कहीं ना कहीं ये सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि शरीर आखिर नश्वर है और इसमें कुछ ना कुछ व्याधियाँ हो सकती हैं। तो ठीक है, जैसे उसकी प्रकृति होगी उस तरह से वो जाएगा, अपने जितने प्रयास कर सकते हैं उतने हम प्रयास करें और जब प्रयास के बावजूद भी कुछ कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में तो उन्हें हम स्वीकार भी करें। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत उसका गहरा प्रभाव पड़ा है मुझ पर और मैं अब ये जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है कि हम अपने जो अप्रियस कह लें या जिसको आप कह लें कि एक दुखद घटना जो भी अगर आपके जीवन में कुछ घटती है तो उसको किस तरह से सहज रूप से स्वीकार किया जाए, मुझे लगता है कि हम सबको उसके बारे में कुछ करना चाहिए। आपने जो पहला प्रश्न का बात कही और जो इस प्रश्न में बात कही, मुझे लगता है इन दोनों को रिलेट यदि मैं कर रहा हूँ तो यही बात आ रही है कि सेल्फ और एक्सेप्टेंस, मतलब आपने पहली बात में बोली कि हम किसी एक सेल्फ जर्नी के लिए आए हैं जिसे हमें असेट और लाइबिलिटी की बात करनी है, फिर किन बातों से आप प्रभावित हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस, कि मनुष्य हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और वो एक्सेप्टेंस के भाव से यदि आगे बढ़े तो वो एक सबसे बड़ा एक ऐसी भूमिका है, एक ऐसा कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। मुझे एक बात और लगी सर, जब आप ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से वो जो गार्डनर है जो हमारे गार्डन को वॉच कर रहा है, जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इंसान के अंदर भी वो गार्डनर है भाई, और हमारे को भगवान ने शरीर दे रखा है जिस तरह आपने वो मॉन्क का एक्सपीरियंस शेयर करा, तो शायद से हमें भी भगवान ने इसलिए भेजा कि हम वो गार्डनर बन जाएं। किसके गार्डनर? सिर्फ हमारे शरीर के गार्डनर, और हम उसको भी वॉच करें कि मेरे पेट में तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं है बट मेरे पेट में तकलीफ है। तो उस गार्डनर के भांति जिस तरह गार्डनर पूरे विश्व को देख रहा है, उस तरह ही मैं भी गार्डनर बन के अपने स्वयं के शरीर को देखूं, स्वयं की फिलोसॉफी को, थॉट को, इन सब चीज़ों को देखूं और मैं ये देखूं कि क्या अगेन असेट्स और लाइबिलिटी के साथ में उसे इवैल्यूएट कर सकता हूं। बहुत सुंदर बात कही सर। सर आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण या ऐसी कोई बात जिसे आपको देखने के बाद या महसूस करने के बाद, ऐसे वैसे बहुत से अनुभव होते हैं, पर कोई ऐसा एक अनुभव जो आपको लगता है कि आपके जीवन में एकदम यू टर्न लेके आया कि यस मैं इस चीज़ को देख के बड़ा मेस्मराइज हुआ या मैं अभिभूत हुआ या मैं मुझे ऐसा लगा कि नहीं दिस इज समथिंग व्हाट। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न कह लें या परिवर्तन जो जीवन में बड़ा हुआ वो नेपाल छोड़कर हिंदुस्तान आने का जो डिसीजन था जो हमने करीब 6 साल पहले लिया पूरा। हम करीब 17-18 वर्ष नेपाल में रहे और नेपाल के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। ऐसा सुनने में भी आया है सर कि वहाँ के लोग आपको भगवान मानते हैं। काफ़ी अच्छा रहा, हमको बहुत प्यार मिला और जो हमसे बना हमने कोशिश की करने की। और 18 साल एक जीवन का बड़ा समय होता है जब आप किसी एक छोटी सी जगह पे आप अगर अपना जीवन व्यतीत करें जी। और बड़ी ऊर्जा थी हमें उस वक्त और हम काफ़ी ऊर्जा से काम करते थे मैं और मेरी श्रीमती। तो जब हमारे पिताजी 80 वर्ष के हुए होने वाले थे तो मैंने अपनी श्रीमती से पूछा कि पापा को इस साल क्या गिफ्ट करें, वो 80 वर्ष के हो रहे हैं। तो मेरी श्रीमती ने जवाब दिया कि इस बार इधर हिम्मत है तो आप खुद को ही गिफ्ट करके दिखो। वाओ वाओ। और वो एक बड़ा मुश्किल निर्णय था लेकिन मुझे लगा कि एक बहू जो है वो इतने वर्ष
अपने परिवार से दूर रहकर विदेशों में रही है और बड़े कंफर्टेबल लाइफ में रही है, और अब वो खुद ही कह रही है कि लेट अस गो बैक टू आवर पेरेंट्स। तो वो बड़ा एक अच्छी मतलब मिक्स फीलिंग थी और बड़ा मुश्किल डिसीजन था, लेकिन फिर हमने बड़ी हिम्मत करके उस चीज़ को किया। और मैंने भगवान से यही विनती करी कि पिताजी को लंबी उम्र दें, क्योंकि पिताजी की खास वजह से हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और कुछ महीने पहले उनके 85th बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, तो आज उस बात को 5-6 साल हो गए और भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं उनके साथ कुछ समय बिता पाता हूँ। तो मैं इवनिंग प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता हूँ, मैं शाम को रोज़ 2-3 घंटे पिताजी के साथ ही बिताता हूँ प्रत्येक दिन, और मैं बहुत सीखता हूँ। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ा सीख है आज की मॉडर्न जनरेशन के लिए सर, कि हमें वो सोर्स से कनेक्ट रहना चाहिए। यदि हम उस सोर्स से डिस्कनेक्ट हुए तो जिस तरह एक पतंग अपनी डोर से कटती है तो उसका निश्चित नीचे ही जाना या विनाश होना है कि उसकी डेस्टिनी है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम युवा लोगों के लिए, हम जितने भी यंग ब्रिगेड जो तैयार हो रही है उनके लिए एक सीख दी आपने कि हमें हमेशा अपने सोर्स के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन आपकी वही बात कि हम क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पे आए हैं खाली हाथ और यहाँ से खाली हाथ ही जाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेके नहीं जाने वाले हैं। पर यस, ये प्रेम, ये समय, ये जो पल हमने जिया इस दुनिया में, वो पल लेके जाने वाले हैं। और हम हमारे परिवार के साथ यदि उस पल को बिताएंगे तो कितना सुंदर और सुखद अनुभव हम भी कर पाएंगे और हमारे परिवार जल्दी कर पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जितना पढ़ पाया उसमें मैंने देखा more than 20,000 आपने केसेस सॉल्व करे हैं, उससे भी अधिक करे हैं, ये शायद से 4-5 साल पहले का फिगर जो मैंने कहीं इंटरनेट पर मैं देख पाया। इन पूरे सेशन में कोई ऐसा एक इंसिडेंट जहाँ पे आपको चमत्कार की फीलिंग आई, मतलब आपको ऐसा लगा ओ वाओ, यहाँ मैं इस बंदे को ट्रीट कर रहा था बट इसके थॉट प्रोसेस ने या भगवान की एक ऐसा हुआ कि वो एकदम आपको मतलब आपको लगा कि वाओ, ऐसा कोई इंसिडेंट सर, क्योंकि आप इतना इंटरेक्शन? हाँ, ये चीज़ सही है कि मैं मरीजों के अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में तैयार कर रहा हूँ कि जिंदगी के 50 lessons जो मैंने अपने मरीजों से सीखे, तो मैंने उनको कंपाइल कर रहा हूँ, कुछ नेपाल के और कुछ हिंदुस्तान के मरीजों का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ लेसन फिलहाल, जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं एक मरीज का एंजियोप्लास्टी कर रहा था और वो काफ़ी केस क्रिटिकल हो गया, और बाहर दूसरा एक पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए अपना इंतज़ार कर रहा था। और जब ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया, 2-3 घंटे लग गए, मैं बहुत थक गया था, काफ़ी हमको मशक्क़त करनी पड़ी, और फिर उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखकर हमने बाहर शिफ्ट किया। तो मैंने इन दूसरे जो मरीज जो वेट कर रहे थे, मैंने उनसे बताया कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड केस रहा है, तो अब आपका केस जो है मैं कल करता हूँ। और मुझे लग रहा था कि शायद वो खुद भी घबरा के ही चाहेंगे कि अब हम नहीं कराना चाहते, लेकिन ना वो उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप मेरा केस आज ही कर दीजिए। बहरहाल मैंने उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया, वो अच्छा हो गया। जब ये आईसीयू में थे तो मैंने राउंड लेते हुए उनसे पूछा, मैंने कहा देखो आपको पता ही है जो बगल वाली महिला है जो इतनी क्रिटिकल हो गई है, ये वेंटिलेटर पे आप देख ही रहे हैं, तो हम उस केस में काफ़ी फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से इनको हमने संभाला, तो ये देखकर मुझे लग रहा था कि शायद आप घबरा जाएंगे और आप नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन आप क्यों पीछे पड़े कि आपका केस भी हम आप अभी कर दें। तो उस मरीज ने ये उत्तर दिया कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे पहले भी इलाज कराया हुआ है और मैंने आपको पहली बार थोड़ा सा आपका मूड खराब देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप मेरा केस कर देंगे और मेरी एंजियोप्लास्टी अच्छी हो जाएगी तो आपका मूड और अच्छा हो जाएगा, तो मुझे लगा कि ये मैं मौका दूंगा आपको, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरा केस कर दें। वेरी नाइस। अब आप बताइए ऐसा संभव है कि मरीज खुद को एक माध्यम बनाकर अपने डॉक्टर का मूड इम्प्रूव हो जाए इस वजह से अपने आप को सौंप रहा है? ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति है जो किसी दूर गांव से आया हुआ है और आपको लगता है कि शायद अनपढ़ सा है और इतनी सोच उसमें होगी नहीं, मैं बड़ा हतप्रभ रह गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम आँख खोल कर रखें और इधर उधर देखते रहें तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा दिमाग है वो दिमाग
इतना संकीर्ण रूप से सोचता है और इतना कंडीशन और हिप्नोटाइज तरीके से सोचता है कि अगर हम प्रयास ना करें तो हम एक ही ढर्रे के अंदर बंधे बंधे पूरी जिंदगी निकाल दें। तो इस चीज़ का हमको बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम उस दिमाग की जंजीरों को तोड़ें और आसपास जो एक्चुअल में घटित हो रहा है, एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है उसको एक्चुअल में देखें, न कि पूर्वाग्रह के साथ। एकार्ट टोल की पुस्तक पावर ऑफ नाउ मेरे लिए गीता है और मैं उसको बहुत बार बार पढ़ता हूँ और सभी को निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने ना पढ़ी हो वो पढ़ें और बार बार पढ़ें। और उस पुस्तक के अंदर वो यही कहते हैं कि हम अपने दिमाग का गुलाम न बने और दिमाग को जब चाहे तभी उपयोग में लें। जय कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। ओशो को पढ़ते हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। सद्गुरु भी यही बात करते हैं। तो अभी जो मेरे मन में चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि हम अपने दिमाग की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में और एंग्जाइटी में और समय का एक ऐसा हम पे वो हावी हो जाता है कि हम सारे समय टाइम और थॉट्स में लगे रहते हैं और जबकि हमको जिनको जब ज़रूरत है तभी यूज़ करना चाहिए और ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए जो समय और थॉट्स से थोड़ी सी परे भी हो, तभी हम ठीक से जी पाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सिंपल लाइफ जीने के लिए हम तैयार हों। तो जैसे ही मैं बड़ी बड़ी चीज़ें लेने की कंपैरिजन में और कंपटीशन में और चेष्टा में छोड़ देता हूँ और उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता हूँ, बड़ा घर, बड़ी कार और प्रॉपर्टी, एक और बड़ी शादी, बड़ा ये, तो जीवन आपके लिए बड़ा सरल हो सकता है। हमने एक पिक्चर के अंदर डायलॉग सुना, मेरे ज़मीर में बहुत दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं। तो आपको कोई कैसे तंग कर सकता है अगर आपकी ज़रूरतें कम हैं? और अगर आपके खुशियों के खिलौने बड़े सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, नेचुरल, ईजीली अवेलेबल हों तो आप सदैव खुश रह सकते हैं। और अगर आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं खुशियों के खिलौने, तब शायद थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करें। लेस लगेज मेक्स ट्रैवल मोर कम्फर्टेबल। सर तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, सुनने को मिला। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आपको वह बहुत शक्ति दे कि जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, बी इट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल या आप लाइफ स्टाइल चेंज करने की जो बात कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, जो आपने बात कही कि हम हमें सोर्स से कनेक्टेड रहें, हमारी आंखें खुली रखें, तो ऐसे बहुत सारे आपने विचार दिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे कि आप इस तरह के ही काम करते रहें और हमें हमारे प्रेरणा स्रोत हमेशा बने रहें। आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। आइए इन बातों पर विचार करें कि क्या हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और क्या कर सकते हैं। हमारी आंखें खुली रखें क्योंकि नेचर इज द बेस्ट टीचर, वो आपको सिखा ही रहा है और सिखाता रहेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से इसी टॉपिक पे। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। उसका आंसर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसका आंसर आपको बताते हुए। उसने मेरे को बोला कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ हर कुछ। थोड़ा ये न्यूरोलॉजिस्ट की तरह मैं आपको और बता सकता हूँ, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि नेगेटिव न्यूज को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। मैं इसको दो को भी मैं सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, तुम सिर्फ सिंपल लिविंग कर लो, सेकंड विल फॉलो नेसेसरी।